हाँ, तो टॉपिक है आज के लेक्चर का आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ फंजाई फ्रॉम एयर वाटर एंड सॉयल जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड मीडिया प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम ये जाने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो आर ऑर्गेनिजम्स विद अ डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड हेलमिंथ्स। तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन ओनली बाय मैग्नीफाइंग देयर साइज आइदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। नाउ व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स। इट वॉज सेड बाय लुईस पाश्चर दैट लाइफ वुड नॉट लॉन्ग रिमेन पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स। जैसा हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, हमारी इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले करते हैं। तो उनके बेनिफिशियल पार्ट भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेस एंड डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड इट आल्सो शोज द इंटरेक्शन बिटवीन द माइक्रोब्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन सेवरल डोमेन्स ऑफ साइंस हैज बीन रिजल्टेड, फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, इन्फेक्शन, डिजीजेस, कीमोथेरेपी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। नाउ माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए देर आर सर्टेन टेक्निक्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेरिलाइजेशन एंड मीडिया प्रिपरेशन। जैसा कि टॉपिक है कि हमको किस तरह से फंजाई को आइसोलेट करना है और उसको किस तरह से स्टडी करना है, तो उसके लिए तो मेन प्रोसेस जो है वो है पहली की स्टेरिलाइजेशन। जहाँ पर हम काम करेंगे, जिन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे फंजाई को आइसोलेट करने के लिए, उन चीज़ों का स्टेरिलाइजेशन पहले होना चाहिए ताकि कि जो डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म है वही हमारे पास आ सके और अनडिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म्स को हम अवॉइड कर पाए। तो पहली प्रोसेस हो गई स्टेरिलाइजेशन और उसके बाद आता है मीडिया प्रिपरेशन। तो मीडिया क्या चीज़ है? मीडिया एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो कि फंजाई को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो दीज टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू आइसोलेट एंड ग्रो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल एक है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड इज द एसिड दैट इज जनरली यूज्ड टू क्लीन द ग्लासवेयर्स दैट वी आर यूजिंग इन द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्रोमिक एसिड को किस तरह से बनाया जा सकता है? दिस क्रोमिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू अ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट दो तरह के हो सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, विद द हेल्प ऑफ लिटिल वाटर। व्हाइल अप्लाइंग सल्फ्यूरिक एसिड टू द पेस्ट, फर्स्ट मेड अ पेस्ट विद सोडियम डायक्रोमेट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल 60 ग्राम ऑफ पोटेशियम डायक्रोमेट और सोडियम डायक्रोमेट इन 150 ml ऑफ वार्म वाटर आर मिक्सड टू मेक पेस्ट। आफ्टर मेकिंग दिस पेस्ट एड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। दिस क्रोमिक एसिड इज यूज आइदर डायल्यूटिंग इट और एज कंसेंट्रेटेड फॉर्म टू क्लीन द ग्लासवेयर्स। फिर आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ फंजाई फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉयल। तो फंजाई हम कहाँ कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? फंजाई हम कहीं से भी आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि दे आर ऑमनी प्रेजेंट। दे कैन बी टेकन आइदर फ्रॉम सॉयल, फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, बिकॉज फंजाई कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम वर्चुअली एनी प्लेस ऑन अर्थ, फ्रॉम द ट्रॉपिक्स
ऑफ द पोल्स एंड फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स टू द डीप ओशियंस. नाउ व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी. माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी में जब हम काम करने चले तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, टूल्स की जरूरत होगी, ग्लासवेयर्स की जरूरत होगी और भी बहुत सारे मिसलेनियस आइटम्स होते हैं. तो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. माइक्रोब्स को, इंडिविजुअल को आइसोलेट करना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी. उनका कल्चर करना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और एप्लीकेशन, जो कि एम है हमारी माइक्रोबायोलॉजी का, कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, उनका फंक्शन पढ़ा जाता है और उनकी एप्लीकेशंस को देखा जाता है. तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमको माइक्रोब्स को आइसोलेट करना है. उनके आइसोलेशन के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, ग्लासवेयर्स और अदर थिंग्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज आप देखें बुनसन बर्नर, इससे आप लोग बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड होंगे. या फिर आपने स्पिरिट लैम्प देखा होगा लेबोरेटरी में. तो ये किस तरह से यूज होता है, ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है. जैसे कि कल्चर ट्यूब है या इनोकुलेशन लीडिल है, नीडिल है या फोर्सेप्स वगैरह है, जिनको कि हमें यूज करना है एकदम से कल्चर को कहीं से आइसोलेट करने के लिए, पेट्री प्लेट से आइसोलेट करने के लिए या फिर जो डिजीज्ड पोर्शन है वहां से माइक्रोब्स को आइसोलेट करने के लिए स्टेरिलाइज्ड नीडल्स को यूज किया जाता है. तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हमको बुनसन बर्नर की जरूरत पड़ती है. तो इसका जो हॉटेस्ट पॉइंट होता है बुनसन बर्नर में, जो फ्लेम आती है उसका जो हॉटेस्ट पॉइंट होता है 1870 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर माइक्रोब्स नहीं रह पाते हैं और उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है. बिफोर आप इनोकुलेशन के पहले आप नीडल को स्टेरिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुनसन बर्नर फ्लेम. ये बुनसन बर्नर, हाँ देखे लिखा है, यूज्ड टू स्टेरिलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स नीडल्स बिफोर दे आर इंसर्टेड इनटू कल्चर, यूज्ड फॉर फ्लेमिंग द माउथ्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, मीडिया कंटेनिंग फ्लास्क एंड अदर ग्लास एपरेटस टू अवॉइड कंटामिनेशन. ये है आपका बुनसन बर्नर का यूज. फिर एक टर्म है इंसिनरेशन. इंसिनरेशन एक टर्म है, मीन्स कि स्टेरिलाइजेशन इज डन By which the contaminated particles are burned to ashes. जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए एकदम से जला दिया जाता है, जिससे कि उनका ऐश बन जाता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसिनरेशन. द मटेरियल्स आर प्लेस्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इन अ वेरी हॉट 800 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लेम एंड रिजल्ट कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम इंसिनरेशन कहते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पिक्चर ऑफ बुनसन बर्नर. इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, इसमें एयर की एंट्री होती है. यहाँ से एयर है, एयर एंट्री दो तरह से दी जाती है. बुनसन बर्नर इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसमें एयर है, एयर प्लस यहाँ गैस है, गैस आ रही है, यहाँ से गैस की सप्लाई हो रही है, प्लस दिस गैस इज एलपीजी. तो एलपीजी इस तरह से आ रही है और यहाँ से गैस की एंट्री, एयर की एंट्री हो रही है. ये दोनों जब मिक्स होती हैं तब ऊपर जाकर के यहाँ पर इनमें फ्लेम बनती है और इसका हॉटेस्ट पार्ट है यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है यहीं पर स्टेरिलाइजेशन हो जाता है. तो दीज आर द टिपिकल पार्ट्स ऑफ द बुनसन बर्नर. नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी लैब की का इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो हुड, जो कि एक स्टेरिलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए. इसमें स्टेरिलाइज्ड एयर आती है, उस एयर की वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं और उस स्टेरिलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं. यूज फॉर रिड्यूसिंग द डेंजर ऑफ इन्फेक्शन व्हाइल वर्किंग विद इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन ऑफ स्टेराइल मटीरियल्स. जो भी स्टेराइल मटेरियल्स हमने अपने प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है उस पर फर्दर इन्फेक्शन ना हो, इसको रोकने के लिए लैमिनार फ्लो का यूज किया जाता है. तो
इस लैमिनार फ्लो हुड का प्रिंसिपल क्या है कि इसमें जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो फिल्टर्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स होते हैं, फाइबर ग्लास के बने होते हैं। तो जो रूम एयर है, तो रूम एयर इज फिल्टर्ड बिफोर एंटरिंग द वर्किंग चैम्बर एंड मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन। एक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाती है एयर, और जो एयर वर्किंग प्लेटफॉर्म पर आएगी वो एकदम स्टेरिलाइज्ड होती है। दूसरे तरह के, ये तो आपने पढ़ा है, हेपा फिल्टर्स। एक मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी होते हैं, तो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हेपा फिल्टर्स। तो मेम्ब्रेन दे आर ये हेपा फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास फिल्टर्स एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। दीज आर द थिन पीसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, यूजली सेल्यूलोज एसीटेट और पॉलीकार्बोनेट दैट कंटेन वेरी स्मॉल ओपनिंग्स और पोर्स सो दैट माइक्रोबियल सेल्स कैन नॉट पास थ्रू देम इन एयर फिल्टरेशन। तो लैमिनार फ्लो हुड के वर्किंग का जो प्रिंसिपल है वो है, इनमें हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स होते हैं। उन फिल्टर के थ्रू रूम की जो एयर है वो पास होगी और फिल्टर्ड एयर वर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी। ये है लैमिनार फ्लो का पिक्चर। बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एक माइक्रोबायोलॉजी लैब का। आप लोग अगर किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब में गए होंगे तो इस पिक्चर को, इस इंस्ट्रूमेंट को जरूर देखा होगा आपने। मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम, हाँ, यस मैम, कुछ कुछ बोलते रहिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है? ओके बीच, ओके। हाँ। तो ये देखिए, ये लैमिनार फ्लो के पिक्चर है। ये देखिए प्रिंसिपल इसमें समझाया गया है, ये पिक्चर है। तो देखिए, ये वर्क प्लेस है यहाँ पर लैमिनार फ्लो का, और ये व्यूइंग पैनल होता है, यहाँ पर आप बैठ के काम करते हैं, ठीक है? तो ये दो तरह के लैमिनार फ्लो होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल, है ना, तो वर्टिकल यस माने यस, कि जो एयर है वो ऊपर से आ रही है। ओ सॉरी, एयर जो है वो ऊपर से, यहाँ देख रहे ना, ऊपर से एयर आ रही है यहाँ वर्क प्लेस पर, यहाँ पर हमें काम करना है। तो ये वर्टिकल का एग्जाम्पल है, इधर से जा रही है कंटामिनेटेड एयर, इधर नीचे से जा रही है, यहाँ पर ये फिल्टर होगी और फिल्टर हो करके ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये है आपका वर्टिकल लैमिनार फ्लो, ठीक है? इस तरह जो ब्लैक है माने कि ये कंटामिनेटेड एयर है, और जो इस तरह से आ रही है डॉटेड पोर्शन जो एरोज के हैं वो ये दिखा रहे हैं कि फिल्टर्ड एयर है। तो ये है लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो हुड्स आर अवेलेबल इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एयर फ्लो कॉन्फ़िगरेशंस, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। अ हॉरिजॉन्टल फ्लो हुड विल मूव एयर फ्रॉम द बैक ऑफ द यूनिट थ्रू हिपा फिल्टर्स एंड टू द फ्रंट टू द वर्क सरफेस। हॉरिजॉन्टल में होता है ऐसे, मतलब आगे से पीछे की तरफ होगा, वर्टिकल में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ एयर आएगी, और हॉरिजेंटल में इस तरह से बैक से आगे आएगा, तो उसको हॉरिजेंटल कहेंगे। अ वर्टिकल फ्लो हुड विल मूव एयर फ्रॉम द टॉप टू द यूनिट थ्रू फिल्टर्स एंड डाउन टू द वर्क सरफेस। समझ में आ रही है बातें स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यस मैम, समझ में आ रहा है ना? यस मैम, यस मैम, यस, वी आर हाँ। गेटिंग। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लैमिनर फ्लो की जो बात मैं कह रही हूँ, जो वर्टिकल लैमिनर फ्लो की, मतलब जहां आप वर्क प्लेस, लैमिनर फ्लो आपने देखा है अभी? अभी नहीं देखा है? यस मैम, देखा है यस ना, मैम, उस पे देखा काम मैम, देखा है, किया है नहीं किया यस मैम, किया है, किया है ना? यस, तो देखिए, नहीं मैंने किया है, किया है ना, किया यस है, तो मैम, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल होता है माने कि एक उसके बॉडी के पीछे से वर्क प्लेस की तरफ जब एयर आ रही है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लैमिनर फ्लो करेंगे कहेंगे, और एक है जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी एयर तो उसको हम वर्टिकल कहेंगे। समझ में आया इतना? पूछा जाता है यस कितने मैम, तरह के लैमिनार फ्लो होते हैं, ठीक है? यस तो यस, ये देखो, जैसे ब्लोअर डायरेक्ट्स द एयर थ्रू हेपा फिल्टर्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द वर्क स्टेशन सरफेस प्रोवाइडिंग अ क्लीनर
एयर इन्वायरमेंट फॉर मीडिया प्लेट प्रिपरेशन प्लांट टिश्यू कल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्पेक्शंस एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। इतने वर्क हो सकते हैं आपके लैमिनार फ्लो के सरफेस पर, समझ गए। द हॉरिजॉन्टल क्लीन बेंच पुशेस एयर थ्रू अ हेपा फिल्टर एंड डायरेक्ट्स द फिल्टर्ड एयर हॉरिजॉन्टली ओवर द वर्क सरफेस एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड टूवर्ड्स द ऑपरेटर। और उसी के वर्टिकल क्लीन ब्रेंच पुशेस एयर थ्रू अ हेपा फिल्टर विच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द इनक्लोजर। ऊपर से नीचे अगर आ रही है तो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है माने कि बैक टू आगे इन फ्रंट आ रही है फ्रंट। अब दूसरा होता है, आपने और देखा होगा एक और ऑटोक्लेव भी देखा होगा अगर माइक्रोबायोलॉजी की लैब में जाओगे। ऑटोक्लेव देखा है? देखा है? देखा है ना, कुकर की तरह होता है ना, एकदम कुकर की तरह। हाँ होता है, और इसको यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। जैसे आप पेट्री प्लेट्स है, कोनिकल फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है, जो कि यूज हो रही है आपके उसमें माइक्रोबायोलॉजी के किसी भी काम के लिए, तो उसको पहले ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जाता है। हाँ, या फिर जैसे मीडिया है, मीडिया बना रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप के मीडिया बनाते हैं, तो मीडिया को भी यूज करने के पहले स्टेरिलाइज किया जाता है। तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन अंडर सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर के अंदर सैचुरेटेड स्टीम माने कि वेपर, सैचुरेटेड स्टीम माने कि बहुत हाई वेपर बनता है, वो अधिक प्रेशर की वजह से स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इंक्रीज्ड टेम्परेचर जो होगा बॉइलिंग वाटर का वही स्टेरिलाइजेशन को करता है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है कि स्टेरिलाइजेशन विद सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द हायर टेम्परेचर एंड नॉट बाय द प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ता है ना, प्रेशर से नहीं, टेम्परेचर से इन्फेक्शन डिसइन्फेक्शन होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है। और कितने टेम्परेचर पर ये चला जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, और प्रेशर जो होता है 15 पाउंड का होता है इसमें, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव इज डन विद सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। इसका प्रिंसिपल यही है कि स्टेरिलाइजेशन इज डन विद सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। ये देखिए इसके पिक्चर है ऑटोक्लेव की, है ना, अच्छे से देखा होगा कि डबल वॉल्ड इसकी स्टील बॉडी होती है, टेम्परेचर कंट्रोल विद टाइमर यहाँ पर लगा रहता है, स्विच रहता है, पावर इंडिकेटर यहाँ पर रहेगा, और वाटर लेवल यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, ड्रेन वॉल्व स्टैंड है, और चैम्बर हैंडल गास्केट लगा, एकदम कुकर की तरह से गास्केट होता है, प्रेशर गॉज, प्रेशर देखा जाता है कितने तक प्रेशर इसमें बन गया है, स्टीम रिलीजिंग वॉल्व्स होते हैं ताकि फर्दर एक्सेसिव स्टीम ना हो उसको रिलीज करने के लिए, और लिड लगी हुई होती है यहाँ पर, है ना, यहाँ से इसको खोला जाता है ऑटोक्लेव। हाँ ऑटोक्लेव में इसके अंदर परफोरेटेड बास्केट होती है मेटालिक, उसी हाँ उसी के अंदर आप अपने जैसे कि ग्लास वेयर्स हैं या ग्लव्स हैं या फिर मीडिया है उसको इसके अंदर रखते हैं, जिससे कि स्टीम उसके अंदर जा सके और फिर वो स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट कर सके, है ना। तो ये है आपका ऑटोक्लेव जी। नेक्स्ट है, हाँ, तो सैचुरेटेड स्टीम हीट्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट 2500 टाइम्स मोर इफिशिएंटली देन डस हॉट एयर एट द सेम टेम्परेचर, है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक ड्राई हीट होती है, हॉट एयर है, उससे करीब 2500 टाइम्स अधिक सैचुरेटेड स्टीम हीट करती है उस सरफेस को, जिसकी वजह से कि उनके वो डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सैचुरेटेड स्टीम हीट्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट 2500 टाइम्स मोर इफिशियंटली देन द हॉट एयर एट द सेम टेम्परेचर, समझ रहे ना। तो ऑटोक्लेव इज द मोस्ट,
हाँ, ऑटोक्लेव इज मोस्ट इफिशियंट फॉर स्टेरिलाइजिंग सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया फॉर माइक्रोबियल कल्चर्स, हीट स्टेबल लिक्विड मीडिया इंग्रेडिएंट्स, हीट रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, ग्लासवेयर एंड रबर प्रोडक्ट्स। अब है ओवन। इसमें ओवन में स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है? ड्राई हीट और हॉट एयर की वजह से। तो स्टेरिलाइजेशन बाय हीट इज प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स, एंड फॉर प्रोटीन कोएगुलेशन टू अकर इजीली सफिशियंट मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट। ये है उसके लिए, ऑटोक्लेव के लिए ना। ओवन में तो ड्राई हीट से हो जाएगा। ड्राई हीट रिमूव्स वाटर फ्रॉम माइक्रोव्स व्हाइल मॉइस्ट हीट एड्स वाटर टू देम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ ओवन एज वेल एज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में जो स्टेरिलाइजेशन होगा वो स्टेरिलाइजेशन प्रोटीन के कोएगुलेशन से होगा। प्रोटीन कोएगुलेट तब होगी जबकि उसमें वाटर ऐड होगा। और ड्राई हीट से क्या होगा कि ड्राई हीट जो है वो वाटर को रिमूव करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, इसलिए डिहाइड्रेशन की वजह से माइक्रोब्स किल होंगे। तो वहां दोनों के प्रिंसिपल में अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वर्किंग ऑफ ओवन एज वेल एज द फंक्शनिंग ऑफ ऑटोक्लेव? तो मॉइस्ट हीट हैज ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन ड्राई हीट। जानते हैं ना हम लोग कि वो ज्यादा देर पेनिट्रेट करता है। जब देखते हैं हाथ वगैरह जलते हैं तो ड्राई हीट में उतना पेन नहीं होता जितना कि आप देखते हैं कि भाप से या स्टीम से जब हाथ वगैरह जल जाता है तो ज्यादा पेनफुल होता है। तो उसका कारण ये है कि जो स्टीम में हीट है वो लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होती है और सरफेस पर बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो पेनफुल हो जाता है। ये देखिए, ये है डायग्राम ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन डबल वॉल्ड है ये, इसमें थर्मोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। डबल वॉल्ड इंसुलेटेड चैम्बर है, एल्यूमिनियम की ट्रे लगे होते हैं, एंड एस्बेस्टॉस डोर जैकेट होता है, टाइमर लगा हुआ है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग नॉब है। इसी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको स्टेरिलाइज करने हैं, जैसे ग्लासवेयर है या फिर इनोकुलेशन नीडिंग या और भी चीजें, जो चीजें स्टेरिलाइज करनी है ड्राई हीट से, उनको रख दिया जाता है। मीडियम वगैरह इसमें नहीं रखा जाता है, मीडियम के लिए ऑटोक्लेव ही यूज किया जाता है। और ये इसका डोर है, इसे बंद कर देते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ से कंट्रोल होगा और जो चीज रखनी है 2 या 4 घंटे, 2 से लेकर के 4 घंटे के लिए इसमें छोड़ दी जाती है और उसी के अंदर स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। तो ग्लासवेयर जनरली इसमें रखे जाते हैं। हॉट एयर ओवन आर यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग ग्लासवेयर लाइक ट्रेडिशियस टेस्ट ट्यूब्स, पिपेट्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन टॉलरेट प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर, एंड स्टेरिलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय एक्सपोजर ऑफ आइटम्स टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 4 hours। डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, 2 to 4 hours लगते हैं, और टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जबकि आपने ऑटोक्लेव में कितना देखा था, 15 मिनट में आपका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर जाता है। तो ये ज्यादा टाइम लेता है हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन में, और उतना इफिशियंट भी नहीं होता है जितना कि ऑटोक्लेव में होता है। ऑटोक्लेव, हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटा दोनों yes, के अंदर? हाँ हाँ, समझते रहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर बीच में हो तो वो ही पूछ सकते हैं। फिर है एक और चीज, आप इनक्यूबेटर भी देखा होगा माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। इनक्यूबेटर भी एकदम उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसा कि आपने हॉट एयर ओवन का देखा था। तो इनक्यूबेटर में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है ना। मेडिकल साइंस में भी इंक्यूबेटर सुना होगा ना, रखे रहते हैं, तो जिसमें कई बार न्यू वंस को रखा जाता है, उस रेफरेंस में भी सुना होगा आपने। और एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, या टिश्यू कल्चर है, तो उसमें इंक्यूबेटर्स का यूज होता है। टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट, जो कि टेम्परेचर बढ़ता है तो कनेक्शन को ऑफ कर देता है, और जब टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो फिर टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो इस तरह से थर्मोस्टेट की हेल्प से प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फंजाई का कल्चर आप करेंगे तो टेम्परेचर उसमें रखा जाता है
21 to 27 है ना, इतना टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया जाता है। ये देखिए इंक्यूबेटर है, डोर है इसकी और डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, परफोरेटेड वॉल है और ये इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया है और कल्चर प्लेट वगैरह इसमें इस तरह रखी जा सकती हैं। हाँ फिर है देखिए शेकिंग वाटर बाथ। शेकिंग वाटर बाथ में ऐसे टेम्परेचर दिया जाता है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रॉथ मीडियम में ग्रो करने के लिए रख दिया जाता है। ये बेटर इस सेंस में होते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूनिफॉर्म होता है, वो उनमें एजिटेशन होता रहता है और उस एजिटेशन की वजह से उनका माइक्रोब्स के बीच का एरेशन बहुत अच्छा रहता है और ग्रोथ और एंजाइम प्रोडक्शन के लिए इस तरह की चीजें ये शेकिंग वाटर बाथ को यूज किया जाता है। ये भी थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड होता है। फिर इसी तरह हॉट प्लेट स्टीरर होता है, हॉट प्लेट स्टीरर में भी मीडिया रख दिया जाता है और उस सस्पेंशन वगैरह बनाने के लिए तो स्टीरिंग को करने के लिए क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे वाटर बाथ वो बीकर रख दिया, बीकर में आपका मीडियम है और उसमें एक टेफ्लॉन कोटेड रॉड होती है और वो मैग्नेट की वजह से उसमें मूव करती है और स्पिन करती है, उसकी वजह से मीडियम का स्टीरिंग होती है ना। तो इन चीजों का यूज किया जाता है। ये देखिए हॉट प्लेट स्टीरर है, कोनिकल फ्लास्क में मीडिया रिक्वायर्ड जो भी सब्सटेंस है वो रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनमें स्टीरिंग होगी। और ये शेकिंग वाटर बाथ है, वाटर बाथ है, शेक किया जाता है जैसे माइक्रोब्स का कल्चर है, एंजाइम प्रोडक्शन है या जिस उसके लिए यूज करना है इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। फिर होता है देखिए कल्चर मीडिया क्या है। ये तो बहुत थोड़ी सी चीजें ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाई माइक्रोबायोलॉजी की लैब के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक बुक है अनेजा की बुक है क्या आपके पास एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के लिए? नहीं है एक वो बुक, मैं लास्ट में इसमें दूंगी, इसका नाम आपको दिया है मैंने लास्ट में लेक्चर के होगा, उस बुक को आप खरीद लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें माइक्रोबियल टेक्निक्स और ये जितने भी चीजें माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए रिक्वायर्ड है इनके अलावा जो मैंने बताया है वो सब चीजें उसमें इंक्लूडेड है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया क्या है? पहले तो आइसोलेशन के लिए सबसे पहले जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ना, कोई भी माइक्रोब अगर ग्रो करना है तो लैबोरेटरी में ग्रो कराने के लिए उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। तो वो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है चाहे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, चाहे इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, चाहे विटामिन्स हो, उनको मिक्स करके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो फूड मटेरियल बनेगा उसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्चर मीडिया। हाँ, द फूड मटेरियल ऑन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन इन द लेबोरेटरी इज नोन एज कल्चर मीडियम एंड द ग्रोथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कल्चर। कल्चर क्या है? मीडिया क्या है जिसपे आप उसको ग्रो कर रहे हैं ना, जैसे पीडीए पढ़ते हैं आप, जेपेक्स डॉक्स पढ़ते हैं, कई एक लिक्विड मीडिया होते हैं, अगार ब्रॉथ पढ़ते हैं ना, तो वो सब मीडिया है जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनके की रिक्वायरमेंट है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। तो वो हो गया आपका मीडिया। मीडिया विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू द ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कल्चर क्या है? जो ग्रोथ उस पर, कल्चर है माइक्रोब्स का एक पॉपुलेशन है ना, एक माइक्रोब का जो पॉपुलेशन उस कल्चर मीडिया पर ग्रो करेगा उसको हम कल्चर कहेंगे। ठीक है, तो कल्चर इज अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देयर इज अ डाइवर्सिटी एज टू द यूज ऑफ द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ रहे हैं ना, माइक्रोब्स अलग अलग तरह के हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है,
प्रोटोजोन्स भी हैं, एल्गी भी है, हेलमिंथ्स भी हैं, सब माइक्रोब्स हैं। अब इनको ग्रो करने के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट अलग होगी, इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मीडिया, सॉरी कल्चर मीडिया। तो दीज कल्चर मीडिया वेरी इन फॉर्म एंड कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज टू बी कल्टिवेटेड, है ना। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, डिफाइंड मीडिया एंड अनडिफाइंड मीडिया। तो डिफाइंड मीडिया मींस कि ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर नोन। जो सिंथेटिक मीडिया होते हैं जनरली उनका कंपोनेंट्स हमें पता होते हैं तो उनको हम कहते हैं डिफाइंड मीडिया। और दूसरे होते हैं अनडिफाइंड मीडिया, मोस्ट कंपोनेंट्स आर अननोन। जो नेचुरल मीडिया है ना, कई चीजों में जैसे एक्सट्रैक्ट यूज कर लिया जाता है, कैरेट मीडिया है या कुछ ऐसे कॉर्न मील मीडिया, तो उसमें जो नेचुरल चीजें हैं उनका तो एग्जैक्ट कंपोनेंट हमको पता नहीं है, तो उनको हम अनडिफाइंड मीडिया कहते हैं। और जो डिफाइंड वाले जैसे पीडीए है, जेपेक्स डॉक्स है, जिसका कि एक एक कंपोनेंट हमको पता होता है, इसमें इतना ये पड़ा है, इतना ये पड़ा है, तो उनको हम डिफाइंड मीडिया कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, डिफाइंड मीडिया एंड अनडिफाइंड मीडिया। तो कल्चर मीडिया फॉर फंजाई, है ना, फंजाई में क्या क्या मीडिया हमको यूज करने होंगे। मीडिया में भी आइदर लिक्विड, लिक्विड मीडिया अगर होगी तो उसको हम ब्रॉथ कहते हैं, समझ में आ रहा। सॉलिड और सेमी सॉलिड को हम जेल मीडिया कहते हैं। तीन तरह के हो गए कंसिस्टेंसी के हिसाब से, एक लिक्विड हो गया जिसको कि हम ब्रॉथ कहते हैं, सॉलिड हो गया या फिर सेमी सॉलिड हो गया। द ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स फॉर फंजाई मे वेरी फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन। जैसे लोअर फंजाई है तो उनका रिक्वायरमेंट अलग है, उनको आइसोलेट करने की टेक्निक अलग है, उनका मीडिया अलग है। और कुछ हायर फंजाई है या फिर कोई यीस्ट है ना, तो उनके रिक्वायरमेंट के पर डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह का मीडिया बनाना है। तो कार्बन, नाइट्रोजन और विटामिन का क्या कंसंट्रेशन होगा, क्या सोर्स होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह के फंजाई को आइसोलेट करना है। कार्बन सोर्स के फॉर्म में हम ग्लूकोज जैसे डेक्सट्रोज यूज किया जाता है, फ्रक्टोज एंड मैनोज उसके बाद यूज होते हैं, है ना, नेचुरल सोर्सेज से, या फिर सुक्रोज को यूज किया जाता है, ये कार्बन सोर्स हो गए। लिक्विड मीडिया, दो तरह के मीडिया हो गए, लिक्विड मीडिया एंड सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। लिक्विड मीडिया में जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उनकी डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है, एक प्रॉपर पैटर्न पर ग्रोथ नहीं होती है, और उनको कैरेक्टरिस्टिकली आइडेंटिफाई भी नहीं हम उनको कर पाते हैं, क्योंकि ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, उनको आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लिक्विड मीडिया जो बहुत पहले यूज किए जाते थे, दैट इज यूरिन और मीट ब्रॉथ यूज्ड बाय लुईस पाश्चर, सबसे पहले यूज किया गया था यूरिन या मीट ब्रॉथ लिक्विड मीडियम के फॉर्म में। अच्छा, और इम्पोर्टेंस सॉलिड मीडियम का क्या है कि सॉलिड मीडियम में जो कॉलोनी ग्रोथ होगी, चाहे बैक्टीरिया की या फंजाई की, जो कॉलोनी ग्रोथ होगी एक प्रॉपर ग्रोथ होती है, डिस्टिंक्ट ग्रोथ होती है, और कैरेक्टरिस्टिकली उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉलोनी का कलर होगा, कॉलोनी के मार्जिन होंगे, कॉलोनी के ऊपर किस तरह की ग्रोथ हो रही है, तो उस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न से कभी कभी हम लोग फंजाई को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉलोनी, कॉलोनी माने कि जो चीज कल्चर ग्रो कर रहा है प्लेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर, तो कॉलोनी का मतलब मैक्रोस्कोपिकली विजिबल कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया या फंजाई ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलोनी, कॉलोनी है ना। बैक्टीरियल के लिए बैक्टीरियल सेल होगा, और फंगल, अगर फंगल स्पोर से होगा तो फंगल कॉलोनी हो जाएगी। नाइट्रोजन सोर्स क्या हो सकते हैं कल्चर मीडिया के लिए। नाइट्रोजन सोर्सेज इंक्लूड पेप्टोन है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, अमीनो एसिड्स, अमोनियम एंड नाइट्रेट कंपाउंड्स। सॉल्ट्स में आयरन, जिंक, मैंगनीज आर ऑफन एडेड एज डिफाइंड मीडिया बट आर यूजली नॉट एडेड टू द कॉमन मीडिया यूज फॉर रूटीन कल्चर, है ना, डिफाइंड मीडिया। फंजाई है नेचुरल डेफिशियंसीज फॉर विटामिन्स दैट आर सेटिस्फाइड एट अ स्मॉल कंसेंट्रेशंस। द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग विटामिन डेफिशियंसी आर थियामिन एंड बायोटिन, है ना। अगर डेफिशियंसी है या फिर
कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह के उस स्पेसिफिक फंजाई को है, तो वो सब विटामिन्स वगैरह उसमें डाल दी जाती हैं। नाउ द टाइप ऑफ मीडिया विल अफेक्ट कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड कलर वेदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड और नॉट। जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ है तो उसके लिए दूसरे तरह के मीडिया हो गए, अगर उसमें रिप्रोडक्शन या उसकी फ्रूटिंग को देखना है तो मीडिया डिफरेंट होगा। एंड मे अफेक्ट वेदर द फंगस विल इवन ग्रो इन कल्चर। फॉर एग्जाम्पल सम फंजाई लैक द नेसेसरी एंजाइम्स टू यूटिलाइज डिफरेंट कार्बन सोर्सेस। All fungi require several specific elements for growth and reproduction. मैंने अभी बताया कि ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के फंजाई की कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जो बहुत पहले के सॉलिड मीडियम थे जैसे कुक्ड कट पोटैटो, रॉबर्ट कोच ने यूज किया था जिलेटिन, बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इसमें नहीं आते हैं क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विफाई कर जाता है। सॉलिड मीडियम के लिए हम सबसे ज्यादा अगार यूज करते हैं, सुना होगा ना अगार? Yes, अगार जानते होंगे ना, देखा भी होगा लैब में जी, है ना? अब तो बायोटेक आप लोग क्या बीएससी पार्ट टू की पार्ट टू में पढ़ते हैं ना, पार्ट टू में पढ़ा होगा, एमएससी में पढ़ा होगा, तो अगार के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। एल्गी पढ़ी होगी तो एल्गी में भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपने देखा होगा अगार के बारे में। तो ये सॉलिड मीडिया बनाने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है अगार। सीवीड से मिलता है जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, है ना? न्यूट्रिटिव वैल्यूज की कुछ भी नहीं होती है और ये बैक्टीरियल ग्रोथ से अफेक्टेड नहीं होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ से ऐसा नहीं है कि लिक्विफाइड हो जाए, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में भी ये अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सॉलिडिफाई हो जाता है। हर एक मीडियम में इसका केवल 2% अगार ही यूज किया जाता है, केवल 2%। जैसे कि 1 लीटर आप पीडीए बना रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम के करीब आप अगार डालते हैं, तो कितना हो गया, 2% अगार यूज किया जाता है। ऐसे ज्यादातर मीडियम को बनाने के लिए 2% अगार ही सफिशियंट होता है। तो ये है अगार के क्वालिटी की अगार लिक्विफाइज ऑन हीटिंग 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हीट कर देंगे तो लिक्विड हो जाएगा और हार्ड हो जाता है जेली के फॉर्म में अगर इसको 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड मीडिया है, लिक्विड मीडियम है और सेमी सॉलिड मीडियम है। तो बेस्ड ऑन कंस्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स, सिंपल मीडियम हो गया, कॉम्प्लेक्स मीडियम हो गया, सिंथेटिक मीडियम हो गया और स्पेशल मीडियम हो गया। तो इतने तरह के मीडिया है। स्पेशल मीडिया में देखिए उसके अलग अलग टाइप्स है स्पेशल मीडिया का, इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, मीडिया फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस और बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एरोबिक मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। तो सॉलिड मीडिया कंटेन्स 2% अगार। इसका फायदा क्या है, कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी हम देख लेंगे, उसमें किस तरह की पिगमेंटेशन है, कॉलोनी कलर क्या है, हाईलाइन कॉलोनी है, ब्लैक कॉलोनी है, ग्रीन है। देखा होगा ना कॉलोनी फंगस के माइसीलिया का कोई अपना कलर नहीं होता, उसमें जो जब फ्रूटिंग होती है, जब स्पोर्ट्स बनते हैं तब उसमें पिगमेंटेशन आता है, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि एस्परजिलस के कॉलोनी का कलर कैसा होगा, कुछ आइडिया है? एस्परजिलस वाइट है? नहीं, एस्परजिलस और पेनिसिलियम ग्रो करते हैं ना, जो ब्रेड पर, आटे पर, लेदर पर, पेपर पर, बहुत सारे फंगस ग्रो कर जाते हैं, है ना? तो एस्परजिलस के एस्परजिलस है ये, हम कैसे पहचानते हैं? ग्रीनिश होता
एस्परजिलियस की कई तरह की स्पीशीज होती है, ग्रीन भी होती है ना, येलो ब्लैक भी होती येलो भी होता है, है शायद। एक जो इसे स्क्रीन कलर देख रहे हैं इस कलर का भी होता है ना, अलग अलग स्पीशीज होती है। इसी तरह से पेनिसिलियम की भी ब्लू कलर भी होता है, पेनिसिलियम इटैलिकम है ना, पेनिसिलियम नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, नाइजर माने काला है ना, वो काले कलर का हो जाएगा। तो अलग अलग एस्परजिलस और पेनिसिलियम तो दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इनकी अलग अलग स्पीशीज है, उनका अलग अलग कलर आता है, वो हम कल्चर मीडिया पर देखते हैं। तो कलर क्यों आता है, वो पिगमेंट की वजह से आता है ना। आपने फंगल पिगमेंट पढ़ा होगा एमएससी में, फंगस में कहाँ कहाँ कितने तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जो ये एक सॉलिड मीडिया है, कहने का मतलब ये है कि उसमें हम कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसमें अच्छा पिगमेंटेशन दिख सकता है फंगस का, हिमोलिसिस वगैरह हो सकती है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया और ब्लड अगार, ये तो बैक्टीरियल के लिए है, ठीक है। फिर लिक्विड मीडिया में अगार नहीं ऐड किया जाता है फॉर इनोकुलम प्रिपरेशन, जैसे कि ब्रॉथ वगैरह है, ब्लड कल्चर वगैरह मेडिकल साइंस में इसको यूज किया जाता है। सेमी सॉलिड मीडिया में देखिए अगार का कंसंट्रेशन घटा दिया, 0.5% अगार अगर डालेंगे तो सेमी सॉलिड हो जाता है। तो जैसे कि मोर्टेलिटी देखनी है जूस पोर की या कुछ इस तरह की, तो उसके लिए आप सेमी सॉलिड मीडिया को यूज कर सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है, पिक्चर है सॉलिड मीडिया जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी आई हुई है, और ये लिक्विड मीडिया है जिसको कि टेस्ट ट्यूब में रखा गया है, और सेमी सॉलिड मीडिया इस तरह से है, ये टेस्ट ट्यूब में सेमी सॉलिड है। फिर ये सिंपल मीडिया या बेसल मीडिया, जो बहुत कम रिक्वायरमेंट, बेसल माने प्रिलिमिनरी स्टेज पर जो एक ज्यादातर यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन है रूटीन वर्क के लिए। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, न्यूट्रिएंट अगार है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कंसिस्टेंट पेप्टोन, ये नाइट्रोजन का सोर्स देगा, मीट एक्सट्रैक्ट, एनएसीएल या वाटर, इसमें ये कंपोजिशन होते हैं न्यूट्रिएंट अगार है ना। न्यूट्रिएंट ये जो सिंपल मीडिया होगा, अगर इसको सेमी लिक्विड करना है तो इसमें अगार का कंसंट्रेशन 0.2 से 0.5% तक कर दिया जाता है, जिससे वो सेमी सॉलिड हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होते हैं, मीडिया अदर देन बेसल मीडिया, दे हैव एडेड कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स सच एज यीस्ट एक्सट्रैक्ट और केसीन हाइड्रोलेज, विच कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मेनी केमिकल स्पीशीज इन अननोन प्रपोर्शंस, प्रोवाइड स्पेशल न्यूट्रिएंट्स। या फिर सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, मीडिया प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंसेस सिंथेटिक, जैसे मैंने बताया आपको जेबेक्स डॉक्स, अभी पढ़ेंगे उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसको सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नोन, यूज फॉर स्पेशल स्टडीज, जैसे मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है, पेप्टोन, वाटर है, ये सब चीजें हैं कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया के लिए। फिर इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया माने कि कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म की है, तो उसको मीडियम में वो चीज ऐड कर दी जाती है, जब वो चीज ऐड कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है इनरिच्ड हो गया मीडिया। जैसे कि ब्लड सीरम ये अगर डाल दीजिए बेसल मीडिया में, तो वो इनरिच्ड मीडिया हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल हो ब्लड अगार और चॉकलेट अगार है ना, ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। फिर इनरिचमेंट मीडिया, लिक्विड मीडिया यूज्ड टू आइसोलेट पैथोजेंस फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर है ना, मिक्स्ड कल्चर है तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज उसमें डाल दी जो कि स्पेसिफिक है, जो डिजायर्ड माइक्रोब है उसको आइसोलेट करने के लिए हमने ये जान लिया कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट इसके लिए स्पेसिफिक है, उसी इंग्रेडिएंट को हम नेक्स्ट मीडिया में डालेंगे और वो डिजायर्ड माइक्रोब को आइसोलेट करने में वो हेल्प करेगा, वो आइसोलेट हो जाएगा। तो ये जो डिजायर्ड इंग्रेडिएंट है या इनरिचमेंट मीडिया है, वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड बैक्टीरियम या फंजाई। मीडिया इज इनकॉर्पोरेटेड विद इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, कुछ एक इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो वो मीडिया में डाल दिया जाता है ना। जैसे कि आप फंगस को आइसोलेट करते हैं, तो फंगस की ग्रोथ को प्रॉपर होने के लिए, बैक्टीरियल कंटामिनेशन को दूर करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन डालते हैं है ना। बनाया है कभी मीडिया, बनाया है कभी? बनाया मैम।
बनाया होगा ना, आपने बनाया होगा, तो उसमें आप बैक्टीरियल कंटामिनेशन को कम करने के लिए क्या डालते थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन डाला जाता है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन डाला जाता है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव मीडिया, द इनहिबिटरी सब्सटेंसेस इज एडेड टू अ सॉलिड मीडिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ डिजायर्ड बैक्टीरियम, ये सब एग्जांपल हो गए। ये देखिए मैकोंकी मीडियम है ना, थायोसल्फेट सीट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज अगार। फिर शुगर मीडिया, मीडिया कंटेनिंग एनी फर्मेंटेबल सब्सटेंसेस, जैसे ग्लूकोज है, अरेबिनोज, लैक्टोज, स्टार्च को डाल दिया जाता है तो शुगर मीडिया बन जाता है। तो ये मीडिया क्या कर कंटेन करता है, 1% ऑफ द शुगर इन पेप्टोन वाटर प्लस इंडिकेटर, कंटेन अ स्मॉल ट्यूब, ड्यूरम ट्यूब होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैस बाय द बैक्टीरिया। जैसे इस तरह की ट्यूब का तब यूज किया जाता है जबकि ये पता करना हो कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या गैस कोई प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है, अंदर वाली ट्यूब में माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं और बाहर केमिकल्स रहते हैं, वो गैस प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं उन दोनों ट्यूब से हेल्प किया जाता है, उनको ड्यूरम ट्यूब कहते हैं। अच्छा, अब कल्चर, जैसे आपने बना लिया मीडिया, मीडिया के अभी कंपोजिशन और पढ़ेंगे आगे। तो कल्चर मेथड में स्ट्रीक कल्चर है, लॉन कल्चर है, स्ट्रॉ कल्चर है, स्टैप कल्चर, पोर प्लेट मेथड, लिक्विड कल्चर, एनएरोबिक कल्चर मेथड्स। तो ये मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे। स्ट्रीक कल्चर, देखिए स्ट्रीक कल्चर बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें प्लेटिनम वायर या नाइक्रोम वायर को यूज किए जाते हैं, एक लूप के फॉर्म में लिया जाता है। अब जहाँ से भी स्पेसिमेन आपको लेना है वहाँ से उस स्पेसिमेन को उस लूप की हेल्प से टच कर दिया जाता है और फिर पेट्री प्लेट में मीडिया पोर करके उस पेट्री प्लेट पर टच किया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक मैनर में, जिगजैग मैनर में, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, इस तरह से उसको ले जाया जाता है। तो इनोकुलम क्या होता है, पहले तो कंडेंस्ड इनोकुलम रहेंगे जो उसके टिप पर रहेंगे और धीरे धीरे जब आप उसको स्प्रेड करते जाएंगे तो जैसे जैसे आपकी लूप दूर जाएगी मीडिया प्लेट पर उतने ही नंबर ऑफ इनोकुलम घटते चले जाते हैं और जो लास्ट में जिस पोर्शन को लूप टच करती है वहां पर नंबर ऑफ कॉलोनीज कम आती है तो वहां से आप उस माइक्रोब को आइसोलेट कर पाते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये है यूजिंग अ लूप और स्ट्रीक अ प्लेट, ठीक है। ये है आपकी पेट्री प्लेट, ये आपकी नाइक्रोम या प्लेटिनम की लूप है, ठीक है। इसको आपने यूज किया कहीं से जहां से आपको सोर्स होगा इनोकुलम का, वहां पे इसको टच किया। टच करने के बाद में ये पेट्री प्लेट है, इस नाइक्रोम इसके हेड को यहां से आपने शुरू किया इस तरह जिगजैग मेथड से यहाँ तक लाए, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर टिप पे आपको इसका माइक्रोब्स दिख रहे हैं, फिर आपने यहाँ पर भी इसको ऐसे टच कराया है, फिर इस तरह से टच कराया, इस तरह से टच कराया ना एक पैटर्न में। अब देख रहे हैं यहाँ पर जब आप शुरू में इसको टच करा रहे थे तो नंबर ऑफ कॉलोनीज ज्यादा थी, सटी सटी बहुत घनी कॉलोनीज आती हैं, और जैसे ही ये एकदम लास्ट में इधर जाता है लूप, बार बार टच नहीं कराते, केवल एक बार टच कराते वहां पर, और फिर यहाँ पर जो देख रहे हैं माइक्रोब्स के कॉलोनी, नंबर ऑफ कॉलोनीज कम हो जाती है, है ना। तो ये जो होगा ये थोड़ा सा प्योर कल्चर होता है, तो यहाँ से आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह यहाँ पे शुरू किया है, नोट अ कल्चर ऑन द टिप ऑफ द लूप और प्रॉपरली स्ट्रीक्ड प्लेट, इस मेथड को कहते हैं स्ट्रीकिंग, फॉलोइंग इंक्यूबेशन। फिर इसको स्ट्रीकिंग करने के बाद में करीब बैक्टीरिया है तो 6-7 घंटे में इसकी ग्रोथ आ जाती है, और फंगस कल्चर को अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप फंगस कल्चर के लिए आपको 1 हफ्ता का टाइम देना पड़ता है। तो देयर इज अ कॉलोनी फॉर्मेशन, नोट द आइसोलेटेड कॉलोनीज टूवर्ड्स द बॉटम, कैन यू स्पॉट द लाइकली कंटामिनेंट्स, कंटामिनेंट्स तो होंगे यहाँ पर लेकिन नंबर ऑफ कॉलोनीज कम होंगी, दूर दूर होंगी, इसमें से आप डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म अगर आप पहचान रहे हैं तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, अगर नहीं भी पहचान रहे हैं तो जो आइसोलेटेड कॉलोनीज है उनको फर्दर सब कल्चर करके आइसोलेशन किया जा सकता है। समझ गए, ये वाली बात समझ में आई? यस मैम।
है ना, थोड़ा बहुत आएगी, जब करेंगे तब डिटेल समझ में आएगा। नाउ सम टाइप्स ऑफ मीडिया यूज इन कल्चरिंग फंजाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम आइसोलेट करने जा रहे हैं फंजाई, उसके लिए मीडिया कौन सा हम बनाए। तो सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया और सबसे आसान मीडिया जो है वो पोटैटो डेक्सट्रोज आधार मीडिया है, जिसको कि हम क्या कहते हैं शॉर्ट में PDA। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत भी काम किया होगा तो बनाया होगा। जनरल पर्पस मीडिया है फॉर आइसोलेशन ऑफ फंजाई एंड मोल्ड्स, बट दिस कैन बी टू रिच इनकरेजिंग द मोल्ड। बहुत तेजी से ग्रोथ होती है फंगस की, मोल्ड का स्पोरुलेशन भी बहुत तेज होता है, पिगमेंट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, और डर्मेटोफाइट्स ही नहीं बहुत सारे अलग अदर फंजाई को ग्रो करने के लिए भी ये पोटैटो डेक्सट्रोज मीडिया जो है वो अप्रोप्रिएट है। तो देखिए इसमें के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पोटैटोज 200 ग्राम, अगार 15 to 20 ग्राम, डेक्सट्रोज 15 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml। 1 लीटर में 200 ग्राम आप पोटैटो डालेंगे, 15 से 20 ग्राम दैट इज 2% अगार डाल दिया, डेक्सट्रोज 15 ग्राम डाल दिया, ठीक है। बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए देखिए पोटैटो आपने ले लिया, कट देम इंटू स्मॉल पीसेस विदाउट पीलिंग एंड कुक द पोटैटोज फॉर 1 आवर इन अ स्टीमर और 40 मिनट्स इन एन ऑटोक्लेव इन 500 ml डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में बिना छीले हुए आलुओं को काट करके 40 मिनट तक आपको बॉयल करना है। फिर उसको मसलिन क्लॉथ, जानते होंगे मसलिन क्लॉथ के थ्रू से फिल्टर कर लेना है, जो भी एक्सट्रैक्ट आएगा उसको आप रख लीजिए, और उसी में जो 500 ml डिस्टिल्ड वाटर आपका बचा हुआ है अलग से जो आपने रख दिया था, उसमें आप अगार को मेल्ट कर लीजिए। थोड़ा सा पानी को गर्म करके फिर अगार को मेल्ट करते हैं, ठंडे पानी में वो मेल्ट नहीं हो पाता है। तो 500 ml में आप इसका एक्सट्रैक्ट बना लीजिए पोटैटो का, और 500 ml में आप क्या बना लेंगे, इसको अगार को मेल्ट कर लेंगे थोड़ा गर्म पानी डिस्टिल्ड वाटर में गर्म करके। मिक्स द पोटैटो एक्सट्रैक्ट विद द अगार एंड देन एड 15 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज एंड स्टिर अंटिल डिसॉल्व। दोनों 500 में आपका पोटैटो एक्सट्रैक्ट बना, 500 ml में आपका अगार बन गया, अगार को आपने डिसॉल्व कर लिया। अब इसमें पोटैटो एक्सट्रैक्ट को और अगार को दोनों को आपने मिक्स कर दिया, फिर उसमें मिला दिया आपने 15 ग्राम डेक्सट्रोज, और फिर उसको आप डिसॉल्व करिए हीट करते हुए। कोनिकल फ्लास्क में इसको इन काम को करेंगे आप, बड़े से 1 लीटर का कोनिकल फ्लास्क में आपने ये सारी चीजें डिसॉल्व कर ली। अब मिक्सचर को आप 1 लीटर कर लीजिए, क्योंकि जब आपने पोटैटो बॉयल किया तो पानी थोड़ा कम भी हो सकता है। फिर आप 1 लीटर अगर इसका मिक्सचर का कर लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करें, 1 लीटर वाटर जो आपको ये सॉल्यूशन मिला, यहाँ तक जो सॉल्यूशन मिला, उसमें उस सॉल्यूशन को आप 2 500 ml के कोनिकल फ्लास्क में बांट लीजिए, और बांटने के बाद में फिर उसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करेंगे उसी तरह जैसा मैंने बताया था, आपको ऑटोक्लेव को यूज करना होगा 15 पाउंड और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक। जब आप ऑटोक्लेव करेंगे तो आपका जो PDA बना है वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। अब ये स्टेरिलाइज्ड PDA को आप ऑटोक्लेव से बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद में आप उसको 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर डाउन होने दीजिए। जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तब जब वो 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड का रह जाए, तब उसमें अगर आपको तुरंत यूज करना है, पोरिंग करनी है, तुरंत पोरिंग करनी है, मीडिया को पेट्री प्लेट पर लाना है, तो उसके पहले आप 40 डिग्री के करीब उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दीजिए अगर फंजाई को आइसोलेट करना है, और तब उसके बाद में पोरिंग करके फिर जब प्लेट पर सॉलिडिफाई हो जाता है तब फंजाई का आइसोलेशन किया जाता है। तो ये था आपका PDA। PDA बनाना समझ में आया बच्चों? PDA yes, बनाना है बहुत इजी है। yes, हाँ yes, हाँ। फिर देखिए दूसरे तरह का है कॉर्न मील अगार। कॉर्न मील में मक्के का आटा यूज किया जाता है, यूज फॉर ग्रोइंग
a wide range of fungi, particularly members of the imperfect fungi and wood inhabiting fungi. It provides a good balance of mycelial growth and the sporulation because has less easily digestible carbohydrate. इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है तो ग्रोथ इसकी अप्रोप्रिएट आती है. इसमें क्या है, अगार है, कॉर्न मील है और डिस्टिल्ड वाटर है. करीब 500 ml ऑफ वाटर को आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, कॉर्न मील उसमें डालेंगे और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको मेंटेन करेंगे. 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक घंटे के लिए. फिर मिक्सचर को आप फिल्टर कर ले रहे हैं मसलिन क्लोथ के थ्रू. फिर उसमें आप डालिए अगार. अगार अलग 500 ml में आपको वार्म वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा. दोनों को, कॉर्न मील एक्सट्रैक्ट को और अगार को दोनों को मिला लेंगे और एक लीटर एक्सट्रैक्ट का वॉल्यूम 1 लीटर बना लेंगे और फिर मिक्सचर को हम दो पार्ट्स में बांट ले लेंगे. 500 ml कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे और उसमें फिर कॉटन प्लग लगाने के बाद में तब आप उसको ऑटोक्लेव में डालेंगे. अभी आप एक छोटी छोटी चीज है जो है लैब की, अब इस तरह से थ्योरेटिकली नहीं समझा जा सकता है. जब आप करेंगे तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर बता दी बहुत सारी स्टेप्स हैं जो कि हम लोग मिस कर जा रहे हैं. जैसे कि बॉटल कोनिकल फ्लास्क तो बना लिया, कोनिकल फ्लास्क तो ले लिया, उसमें अब प्लग लगाना होगा. प्लगिंग कैसे की जाती है, किस तरह से उनको ऑटोक्लेव में रखने से पहले पैकिंग की जाती है, किस तरह से है ना, तो ये सब चीजें जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तब पॉसिबल होगा. तो ऑटोक्लेव कर लिया हमने उस मिक्सचर को 500 ml के दो कॉनिकल फ्लास्क में 15 pounds तक और 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया. 15-20 मिनट में ऑटोक्लेव हो जाएगा और फिर उसी तरह से उसको कूल करके फिर यूज कर सकते हैं. इसी तरह से वाटर अगार है. वाटर अगार तब हमें चाहिए होता है जबकि सेलुलोज डिस्ट्रॉइंग फंजाई को हमें स्टडी करना हो, है ना. तो इसके लिए देखिए कंपोनेंट्स क्या है, अगार और डिस्टिल्ड वाटर है. खाली अगार को 1 liter पानी में डिसॉल्व कर देना है. मेल्ट द अगार इन द वाटर, डिवाइड द मिक्सचर इनटू 2 500 ml बॉटल्स, ऑटोक्लेव एट 15 pounds एंड 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 minutes, अलाउ मीडियम टू कूल एंड देन पोर टू यूज. इसी तरह माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार है. Malt extract agar is also frequently used for culturing fungi from soil and wood. ठीक है, पेप्टोन नहीं होता है इसमें. इसके different components है, जैसे malt extract है 20 ग्राम, agar 20 ग्राम, glucose 20 ग्राम, distilled water 1 लीटर, sucrose 200 ग्राम, है ना. इसी तरह से फिर है सेबरॉइड डेक्सट्रोज agar. It is the standard medium for recovery and maintenance of a wide variety of fungi commonly isolated in clinical laboratory. है ना, सेबराइड जैसे कि ये ह्यूमन पैथोजन होते हैं, स्किन वाले डर्मेटोफाइट्स वगैरह होते हैं, तो डर्मेटोफाइट्स को आइसोलेट करने के लिए ये बेस्ट मीडियम होता है. इसके कंपोजिशन क्या है, ग्लूकोज 20 ग्राम, पेप्टोन 10 ग्राम, पेप्टोन नाइट्रोजन सप्लाई के लिए, अगार 20 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर. फिर है जपेक डॉक्स अगार. मैं बार बार सिंथेटिक मीडियम का नाम ले रही थी तो उसका एक एग्जांपल है. इसके हर एक कंपोनेंट पता है हमको. इट इज अ मीडिया यूज्ड फॉर द आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ सेप्रोफिटिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कंपोनेंट्स क्या क्या है, सुक्रोज 30 ग्राम, सोडियम नाइट्रेट 3 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, आयरन सल्फेट 0.1 ग्राम, डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 1 ग्राम, अगार 20 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर. सस्पेंड 55.1 ग्राम ऑफ कंपोनेंट इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, डिवाइड द मिक्सचर इनटू 2 500 ml बॉटल्स, ऑटोक्लेव एट 15 pounds एंड 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 10 minutes, अलाउ मीडियम टू कूल टू 55 to 60 degree centigrade, then pour into sterilized plates.